पांचवें टिप, किसी तरह का शक खत्म होगा। पुराने मामलों को भूलने की कोशिश करें। कोई अच्छी खबर मिल सकती है, किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होगी और अच्छे संबंध भी बनेंगे। घर परिवार के कुछ खास मामले भी निपट जाएंगे। आपके मन में पैसों से जुड़े जो मामले चल रहे हैं, आपको उन पर भी ध्यान देना होगा। दूसरों से ज्यादा खुद पर भरोसा रखना होगा। जूनियर्स आपकी मदद करेंगे। बिजनेस के लिए दोस्तों से मदद भी मिलेगी। परिवार से सहयोग मिलेगा। संतान के साथ समय बीतेगा। नेगेटिव विवादों से दूर रहे। ध्यान रखें कि जल्दी उब्र ना हो, वरना आपके काम बिगड़ सकते हैं। ऑफिस या आसपास के किसी व्यक्ति से कोई नुकसान भी हो सकता है, ऐसे लोगों को पहचाने और उनसे बचें। परिवार की जरूरतों को अनदेखा ना करें, परेशानी हो सकती है। क्या करें, पोछा लगा कर गीला कपड़ा फेंक दें। लव, आपके और पार्टनर के बीच दूरियां बढ़ सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझें और भस में ना पड़े। करियर कामकाज ज्यादा रहेंगे। रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है। किसी बात की टेंशन से पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। हेल्थ, भोजन में सावधानी रखेंगे तो बीमारियों से बचेंगे। जो भी फैसला लेना है, ध्यान से और सोच समझ कर ले। किस्मत के भरोसे कोई भी बड़ा फैसला लेने की सोच रहे हैं तो सफलता मिल सकती है। किस्मत के भरोसे आपके काम बन सकते हैं। फायदे वाला दिन रहेगा। कोई अधिकारियों आपके ही फेवर में रहेगा। ऑफिस और सामाजिक दायरे में अपने से बड़े लोगों से बातचीत करते रहे और अच्छे संबंध बनाए रखे। आपके सामने एक साथ कई तरह के काम भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो भी काम करें पूरी एकाग्रता से करें। प्रेमी से मन की बात करने के लिहाज से अच्छा दिन है। नजदीकी रिश्तों की अनबन सुलझ सकती है। बात करेंगे तो पुरानी सारी बातें खत्म की जा सकती है। ऑफिस में नए काम की पूरी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। नेगेटिव गुस्से पर कंट्रोल करें। जल्दबाजी में पैसों से जुड़ा फैसला लेना भारी पड़ सकता है। किसी ना किसी बात से इस राशि के कुछ लोगों का मूड भी खराब हो सकता है। क्या करें, पानी में लाल फूल डालकर नहाएं। लव लाइफ संबंधित शुद्ध समाचार मिल सकता है। कोई विवाद हो तो सुलझाने के लिए अच्छा समय है। करियर कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा रहेगी। बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ सकती है। दोस्तों से सलाह लेना आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ, सेहत का ध्यान रखें। थकान, मौसमी परेशानी और पीठ में दर्द हो सकता है। मिथुन, पांचवें चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। आज आपको किसी बड़े राज का भी पता लग सकता है। भविष्य के लिए योजना बनाएं और पैसों की स्थिति पर विचार करें। बिजनेस और नौकरी में नए काम के आइडिया मिल सकते हैं। किसी परिचित व्यक्ति से संबंध अच्छे रहेंगे। बहुत से लोगों का ध्यान आपकी ओर होगा। लोग आपके निजी जीवन में रुचि रखेंगे। नेगेटिव, आज आपको बहुत ही सावधान रहना चाहिए। गोचर कुंडली के आठवें भाव में चंद्रमा होने से थोड़े परेशान रहेंगे। इससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। किसी जटिल सवाल के जवाब खोजने की कोशिश कर सकते हैं। इसमें आपका समय भी खराब हो सकता है। करीबी लोगों पर पैसा खर्च हो सकता है। निजी जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। जीवन साथी से भी अनबन रहेगी। आपको लेकर कई तरह की बातें हो सकती हैं। कामकाज ज्यादा रहेगा। बेरोजगार भटक सकते हैं। क्या करें, गणेश जी को गुड़ और दुर्वा चढ़ाएं। लव, जीवन साथी और पार्टनर से खूब बनेगी। किसी भी बात पर आसानी से रजामंदी हो जाएगी। सुख भी मिलेगा। दिल की बात बोलने का दिन है। करियर प्रोफेशन से अचानक परेशानी बढ़ सकती है, फिर भी आपको कहीं ना कहीं से फायदा तो हो ही जाएगा। कंफ्यूजन भी हो सकता है। आज लिए गए फैसले आपके लिए खास हो सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। हेल्थ, हाथ पैर में दर्द हो सकता है। सेहत का ध्यान रखें। कर्क, पांचवें भाव, आपकी सेहत और रोजमर्रा के कामों पर चंद्रमा का अच्छा असर हो सकता है। काम रुकेंगे नहीं, पूरे हो जाएंगे। कोई आपसे कुछ पूछे तो सीधे सीधे जवाब दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। अपने आप पर भरोसा बढ़ेगा और आपके ज्यादातर काम इसी कारण पूरे भी हो जाएंगे। अपने जरूरी कामों पर पूरा ध्यान दे।
आत्मविश्वास और आकर्षण से आपके जरूरी काम पूरे होने में मदद मिल सकती है। अपने ज्यादातर काम खुद के दम पर निपटा लेंगे। किसी पुराने संबंध के क्षेत्र में नई शुरुआत हो सकती है। अविवाहित लोगों को कोई अच्छी खबर मिलने के योग है। प्रेम प्रस्ताव भी मिल सकते हैं। ऐसे लोगों से मुलाकात होगी जो बिजनेस और शिक्षा में आपके पार्टनर बन सकते हैं। नेगेटिव, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। किसी बात का अनजाना डर भी रहेगा, इसके कारण कुछ जरूरी काम भी अधूरे रह सकते हैं। बिजनेस में कोई रिस्क ना ले, किसी को पैसे उधार देने से बचे। घर थोड़ा अस्त व्यस्त भी हो सकता है, क्या करे, माता जी के मंदिर में इत्र दान दे। लव लाइफ को लेकर मन में कई तरह की बातें चलेंगी। प्रेम करेंगे, धैर्य रखेंगे तो प्रेमी पर भी इसका पॉजिटिव असर होगा। करियर, बिजनेस और नौकरी में सावधानी रखें, थोड़ी सी लापरवाही के कारण नुकसान भी हो सकता है। आज आप किसी बात में उलझ सकते हैं जिससे पढ़ाई में मन लगाने में दिक्कत होगी। हेल्थ, जोड़ों के दर्द और मौसमी बीमारियों से परेशानी हो सकती है। सिंह, पॉजिटिव, अविवाहित लोगों को विवाह या रोमांस के मौके मिल सकते हैं। अपना काम छोड़कर दूसरों की मदद करें। दुश्मनों पर जीत भी मिल सकती है। अटके हुए कामकाज पूरे हो सकते हैं। सिंह राशि वाले लोग काम में पूरा मन लगाने की कोशिश करेंगे और सफल भी हो जाएंगे। आज की स्थितियों और आज मिलने वाले लोगों से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। कुछ कामों में शॉर्टकट भी लेंगे और सफल हो सकते हैं। आज आप दुश्मनों पर भी भारी पड़ सकते हैं। नेगेटिव, किसी को अपने से कम समझने की गलती ना करें। गोचर कुंडली में छठा चंद्रमा आपके लिए विपरीत परिस्थितियां भी बना सकता है। रिश्तों के मामले में कुछ अनचाहे बदलाव भी हो सकते हैं। मन में सुस्ती रहेगी। योजना में कुछ लोगों का साथ नहीं मिलेगा। आप संकोची और कुछ समय हुए भी रहेंगे। साझेदारी में होने वाले किसी काम का ज्यादा से ज्यादा बोझ आप पर रहेगा। समस्याएं और परेशानियां भी रहेंगी। कार्यक्षेत्र में कोई काम बाकी भी हो सकता है। आज आप विवादों में उलझ सकते हैं। क्या करें, लाल कपड़े में गेहूं और अलग से सिंदूर रखकर हनुमान मंदिर में दान करें। लव संबंधों के बारे में कोई स्थायी फैसला करने के प्ले ग्राही से सोच विचार कर ले। पार्टनर से सरप्राइज मिलेगा। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। करियर, नौकरी और बिजनेस वालों को सावधान रहना चाहिए। दोस्तों से मदद मिल सकती है। इस राशि के कुछ स्टूडेंट्स को दौड़ भाग करनी होगी। हेल्थ, सेहत खिले से ठीक रहेगी। थकान मिटेगी और स्फूर्ति भी आएगी। कन्या, पॉजिटिव, सोचे हुए ज्यादातर काम हो जाएंगे। कई सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। जीवन साथी से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। दोस्तों की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। सोशल लाइफ अच्छी रहेगी। आसपास के लोगों में अच्छी इमेज बनेगी। नए लोगों से मुलाकात होगी। पुराने दोस्त के बारे में कोई नई बात भी पता चल सकती है। संतान से सहयोग मिलेगा। आज बनाई योजनाओं से फायदा हो सकता है। रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। नेगेटिव, जब तक सारी बातें पूरी तरह साफ ना हो जाए, किसी से कोई बड़ा वादा ना करें। किसी बात को लेकर परेशान ना रहे। जो योजना या षड्यंत्र बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं, उसे लेकर सावधान रहे। ऑफिस में कोई समस्या भी रहेगी। समय पर ऑफिस नहीं पहुंच पाने से तनाव रहेगा। अपनी महत्वाकांक्षाओं को लेकर सावधान रहे। न्यायालय और जमीन से जुड़े मामलों में परेशानी रहेगी। निवेश सावधानी से करें वरना पैसा कहीं उलझ सकता है। क्या करें, किसी ब्राह्मण या बुजुर्ग को कुछ मीठा खिलाएं। लव, पुरानी बातों में खोयरने से लव लाइफ पर असर पड़ सकता है। कभी खुद पर तो कभी प्रेमी पर भी झुंझलाहट हो सकती है। करियर, सोच समझ कर निवेश करें। जोखिम भरे फैसले लेने का समय नहीं है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए खुद से संघर्ष करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स के लिए समय थोड़ा नकारात्मक भी हो सकता है। हेल्थ, मानसिक अशांति और तनाव के कारण सेहत पर असर पड़ेगा। घबराहट भी महसूस हो सकती है। तुला, पॉजिटिव, धैर्य से पूरे दिन की गतिविधियों में शामिल रहेंगे। आपको एक साथ कई तरह के कामों पर ध्यान देना होगा। कई तरह की जिम्मेदारियां भी आप पर रहेंगी।
एकाग्रता और मेहनत के साथ चुनौतियों से निपट लेंगे। आप अपने परफॉर्मेंस से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। आपकी कोशिशों से अधिकारी खुश भी रहेंगे। समझदारी से काम लिया तो अपने लिए कुछ नए अवसर तैयार कर सकते हैं। उम्र में बड़े किसी व्यक्ति की ओर आकर्षित होंगे। चंद्रमा आपके कार्य क्षेत्र पर असर डालेगा। नेगेटिव, आज मिलने वाले मैरिज ऑफर्स पर ध्यान न दें। ध्यान बांटने वाली कई चीजें आपके सामने रहेंगी। कोई नया काम शुरू ना करें तो ही अच्छा है। विवाहित लोगों को अपने जीवन साथी का तरीका भी अजीब लगेगा। पार्टनर आपसे नाराज रहेगा। आपको सावधान रहना चाहिए, कुछ ना कुछ नुकसान भी हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले थोड़ा रुके और विचार करके काम करें। परेशानियां रहेंगी और विवाद भी होंगे। क्या करें, घोड़े को घास खिलाएं? लव पार्टनर का व्यवहार आपके प्रति अजीब है तो इसकी वजह समझ जाएंगे। धैर्य रखे, करियर समस्याओं और विवादों को दूर करने की कोशिश असफल भी हो सकती है। नए कारोबार की शुरुआत ना करें। कम महत्व की प्रतियोगिताओं का नतीजा भी आज आपको मिल सकता है। ग्लैमर से जुड़े लोग आगे बढ़ेंगे। कानूनी पढ़ाई से जुड़े स्टूडेंट्स को बड़ी सफलता मिलेगी। हेल्थ, अपनी सेहत को लेकर सावधान रहे। वृश्चिक, कोई खास काम आज आप निपटा लेंगे। कोई काम सीधे सीधे ना हुआ तो टेढ़े तरीके से कर लेंगे, लेकिन सोचा हुआ काम आज पूरा जरूर हो जाएगा। चंद्रमा आपको आगे बढ़ने के लिए मदद करेगा। दिन वैसे तो नया है, लेकिन दिन में कभी भी आपको लग सकता है कि जैसे यह स्थितियां और यही बातें आपके साथ पहले भी हो चुकी है। आपका दायरा भी बढ़ सकता है। किसी काम पर पूरा मन लगाएंगे तो आप बहुत हद तक सफल भी हो जाएंगे। जो भी करना है वह आप खुद ही करें। प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, बस ये ध्यान रखें कि किसी पर गुस्सा ना करें, वरना परेशानी में पड़ जाएंगे। इस राशि के शादीशुदा लोगों को एक्स्ट्रा अफेयर के कारण परेशानी हो सकती है। अविवाहित लोगों के एक से ज्यादा अफेयर होने के कारण भी दिन अच्छा नहीं रहेगा। किसी भी तरह का जोखिम लेंगे तो परेशान हो सकते हैं। दूसरों के भरोसे काम करने से खुद का नुकसान भी हो सकता है। महिलाओं की सेहत में भी गिरावट आने के योग बन रहे हैं। क्या करें, बड़ के पेड़ के नीचे तेल का दीपक लगाएं। लव, अपने पुराने फैसलों पर ध्यान दें। संबंधों को लेकर कोई स्थायी फैसला ना लें। करियर वर्क प्लेस पर अधिकारियों से सम्मान मिलेगा। विवाद से बचें, पैसे भी खो सकते हैं, संभल कर रहे। कैंपस में झगड़ा या विवाद हो सकता है, लेकिन पढ़ाई भी अच्छी होगी। हेल्थ, सेहत का ध्यान रखें। कोई ना कोई दिक्कत भी हो सकती है। धनु, आपके लिए दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर भी आपको मिल सकती है। कर्जे से मुक्ति पाने में सफल हो जाएंगे और आपका रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा। आर्थिक मामलों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। खुशी का माहौल रहेगा। रोमांस के लिहाज से भी दिन अच्छा है। प्रेमी जोड़ों के संबंधों में कुछ नयापन भी महसूस हो सकता है। इस राशि के कुछ लोग यात्रा पर जा सकते हैं। मौज मस्ती के लिए पैसा भी खर्चा हो सकता है। पैसों के मामले में अपने पार्टनर के साथ कोई बातचीत करनी जरूरी हो तो कर ले। आपको कोई बड़ा फैसला लेना हो तो जानकार या किसी बड़े व्यक्ति से भी सलाह जरूर ले लें। परिवार के साथ समय बीतेगा। अधिकारी और निचले वर्ग के लोगों से सहयोग मिल सकता है। नेगेटिव, आप जो भी काम करेंगे पूरी तरह उसके परिणाम आपके अनुसार नहीं होंगे। थोड़ा बहुत तनाव भी हो सकता है। कुछ पुरानी बातें आपको परेशान कर सकती है। जल्दी फायदा कमाने के चक्कर में गलत फैसले भी ले सकते हैं। इस मामले में खुद को संभालें। क्या करें, घर या ऑफिस में पूजा करने की जगह पर सफाई करें। लव पार्टनर से सहयोग और प्यार मिलेगा। पार्टनर का मिजाज भी अच्छा रहेगा। करियर, आर्थिक मामलों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। साथ काम करने वाले लोगों से सहयोग मिलेगा। पढ़ाई से जुड़ी कोई नई और खास जानकारी मिल सकती है। हेल्थ, मानसिक तनाव रहेगा। पेट के रोग भी हो सकते हैं। मकर, खुद पर भरोसा रखें। जीवन साथी के साथ अनबन चल रही है तो पहली प्राथमिकता उसे सुलझाने पर दें। आसपास के सभी लोगों की जरूरतों के प्रति बहुत उत्सुक रहेंगे।
रिश्तों के क्षेत्र में किस्मत आपके साथ रहेगी। आप थोड़ा छूटने और समझौता करने के लिए तैयार हो तो आप रिश्तों के उलझे हुए मामले सुलझा सकते हैं। नए रिश्तों की शुरुआत भी हो सकती है। जोश में आकर वो सारे काम निपटा देंगे जो आपने करने बाकी थे। धन संबंधित कुछ काम ऐसे रहेंगे जो अचानक याद आ सकते हैं। आप प्रसन्न रहे, उत्साह रखें। नेगेटिव, दूसरों के मामलों में जरा भी दखल ना दें। कुछ खास मामलों में कंफ्यूजन की स्थिति बन सकती है। माता की सेहत में गिरावट और सुख में कमी महसूस कर सकते हैं। पैसों की आवक कम हो सकती है। स्थायित्व नहीं होगा। क्या करें, किसी पेड़ के नीचे गुड़ और चने रखें। लवारापन से बचने की कोशिश करें। लव लाइफ के लिए आप जैसा सोचेंगे वैसा करने की कोशिश भी करेंगे और वैसे ही नतीजे मिलेंगे। करियर फालतू खर्चा होने के योग बन रहे हैं, लेकिन पैसों की आवक भी होगी। कठिन विषय के लिए भी कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ रहेगा। हेल्थ, पेट के रोग हो सकते हैं। भोजन में सावधानी रखें। कुंभ का जेटिव, किसी जरूरी काम से यात्रा हो सकती है। बड़ी परेशानियां भी खत्म हो सकती है। इससे आपको अचानक फायदा होने के योग भी बन रहे हैं। आपको छोटा मोटा फायदा मिल सकता है। या काम करने की जगह में बदलाव होगा। आपके सामने एक साथ कई तरह के काम रहेंगे। कई कामों को पूरा भी करना पड़ेगा। धैर्य रखें। अपने व्यवहार पर ध्यान दें। संतान से सुख और कोई अच्छी खबर मिलेगी। स्टूडेंट्स को सफलता मिल सकती है। नेगेटिव, कोई काम सोचे हुए तरीके से नहीं हो पाएगा या ज्यादा ही देर लगेगी तो परेशान भी रहेंगे। आपको कुछ कामों का नतीजा ना मिले तो निराश ना हो। जीवन साथी से विवाद या अनबन होने की संभावना है। आपकी कोई बात रिश्तों में तनाव पैदा कर सकती है। अविवाहित लोग लव प्रपोजल और शादी के प्रपोजल को लेकर सावधान रहना होगा। कुछ मामलों में आपको धोखा भी हो सकता है। आपसे कुछ बातें छुपाई जा सकती है। रोमांस के मामलों में अपनी ओर से फल ना करें। क्या करें, मिट्टी के दीपक में चावल का पानी और वन बूंद घी डालकर घर के बाहर रख दें। लव, पुराने प्रेमी से अचानक मुलाकात हो सकती है। इस राशि के कुछ लोगों को अपने पार्टनर से सहयोग मिल सकता है। करियर, नौकरी में पदोन्नति और ट्रांसफर के मौके मिल सकते हैं। स्कूल और कॉलेज में नए दोस्त बनेंगे। आपको जो स्टडी मटेरियल मिलेगा वह काफी समय के लिए कारगर साबित रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए समय सामान्य रहेगा। हेल्थ, सेहत पहले से थोड़ी ठीक रहेगी। मीन पॉजिटिव, कोई नई योजना भी सामने आ सकती है जो आपके मौजूदा काम की तुलना में ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। इस पर विचार करें। आप भाग्यशाली हो सकते हैं। अचानक कुछ निवेश करने की बात आपके दिमाग में आ सकती है। आज लिए कुछ फैसले सही रहेंगे। संतान की जरूरतों पर ध्यान देना होगा। नजदीकी रिश्तों में सुधार होगा। अपनी बात मनवाने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। रोमांस के मामले में भी दिन अच्छा है। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। आपके कामों की तारीफ होगी। आपको संतुष्टि मिलेगी। परिवार के मामले निपटा लेंगे। खुश रहेंगे। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें और बराबर रिस्पांस भी दें। नेगेटिव, कोई भी खास काम निपटाना है तो सावधान रहें। आज जहां तक हो सके जमीन जायदाद में निवेश करने से दूर ही रहें। बाजार जाते हैं तो आपको अपने खर्चे पर खास तौर से कंट्रोल करना होगा। क्या करें, पलंग के एक कोने पर हरा धागा बांध दें। लव, दिमाग के बजाय दिल से व्यवहार करेंगे। पार्टनर से सहयोग और खुशी मिलेगी। मीन राशि वाले लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। करियर, ऑफिस या फील्ड में आपके कामों की तारीफ होगी। स्टूडेंट्स को आज मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ सकती है। पढ़ाई में मन कम ही लगेगा। हेल्थ, जोड़ों के दर्द से परेशान रहेंगे।